यस अभी तक आपको क्या रिस्पांस मिला है? Like बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत लोगों ने ऑलरेडी देखा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारे ट्रेलर का, काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। तो अभी 20th को ऑफकोर्स ऑनलाइन आ जाएगा सबके लिए ऑल्ट बालाजी ऐप पर, तो वी आर वेरी एक्साइटेड, वेरी थ्रिल्ड। सुभाष चंद्र बोस के प्रिपरेशन के कैरेक्टर के लिए आपने क्या क्या प्रिपेयर किया? बहुत प्रिपरेशन की थी यार, वजन बढ़ाया काफ़ी, 12-13 किलो अपना यू नो हेड शेप किया आधा, फिर काफ़ी किताबें पढ़ी, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, उनके रेडियो स्पीचेस सुने। ओपिनियन विल मैटर द मोस्ट राइट नाउ फॉर यू? एवरीबॉडीज ओपिनियन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मतलब और कितने सीरीज निकल रहे, कितने एपिसोड? 9 एपिसोड्स हैं जो 20th को एक साथ ऑनलाइन आ जाएंगे, आप तो आप बिंज वॉच कर सकते हैं। दे आर अराउंड 22-25 मिनट्स ईच ऑन एवरेज, सो आई थिंक इट्स वेरी एक्सेसिबल और इट्स गोना बी एन इजी वॉच। तो खाली बोस के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया कि या फिर किसी? वो आप देखिए, वो आप देखिए पहले। राज बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाइक यू आर रशिंग, लाइक दिस इज लाइक एनीथिंग, टायर्ड नहीं हो रहे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं यार, अभी क्या, यही तो एज है काम करने की, क्योंकि दमित जी एट दैट एज ही स्टिल किलिंग इट, तो हम सब तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं और बहुत सीखते हैं। और कुछ वेब सीरीज आपके देखने मिलेंगे? अभी तो यही है फिलहाल, आगे देखते हैं। थैंक यू। और भी स्क्रीनिंग रखने वाले हैं? यस, हमारी और स्क्रीनिंग्स हैं जो होने वाली हैं। किसको मतलब बुलाना चाह रहे हैं? सबको, आपको बुलाएंगे पहले सुमित जी, आप आइए। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले कैसे लगी वेब सीरीज राजकुमार? मैं खुद इसका क्रिएटिव प्रोड्यूसर हूँ तो मुझे तो अच्छी लगेगी। मतलब किस तरह का फिल्म है? हालांकि बोस पे है लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। नहीं, ये एक वेब सीरीज़ है, इसका पहला सीज़न 9 एपिसोड्स का है। इसमें सुभाष चंद्र बोस की जो का जो जीवन है उसको दिखाया गया है, और उसके साथ साथ 1945 के बाद जो सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है कि प्लेन क्रैश में गुज़र गए थे, क्या वो गुज़र गए थे, क्या वो कहीं और थे, उस मिस्ट्री को जो जितनी थियोरीज थी उनके गायब होने की, उन थियरीज को हमने दिखाने की कोशिश की है। बालाजी इनिशिएटिव लिया है? जी जी जी। नहीं, एकता इस सब्जेक्ट को लेकर शायद 3-4 साल से उनके मन में था कि ये सब्जेक्ट बनाना है, और एकता ने और उसकी टीम ने इस पर कम से कम नहीं तो 1.5 साल रिसर्च किया है, प्लस 1 साल स्क्रिप्ट लिखने में लगाया है, जिसके बाद मैं इसके डायरेक्टर पुलकित, राजकुमार राव, हम सब जुड़े इस शो के साथ। बेहतरीन स्क्रिप्ट है और बनाने में खूब मेहनत लगी है। के बारे में शुरू से बचपन से दिखाया गया है? 1918 से उनकी 14 साल की उम्र से लेकर 1945 तक जो उनकी एक जर्नी थी उसको दिखाया है, कि कैसे एक लड़का सुभाष बोस बाबू बने, बोस बाबू से वो कैसे नेताजी बने, तो उस जर्नी को, और 1945 के बाद जो वो गायब हो गए उसको दिखाया है। वेब सीरीज आजकल काफ़ी तेज में है एज कम्पेयर टू मूवीज, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है मतलब मूवीज ऑडियंस कम देखेंगी, वेब सीरीज काफ़ी अच्छी? नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा है। मतलब मेरा मानना है कि अच्छा कंटेंट किसी भी माध्यम पर ज़रूरी है और अच्छा है। आपके कुछ प्रोजेक्ट्स? अभी ओमेटा है मेरी और राजकुमार की फिल्म, जिसकी रिलीज़ हम उम्मीद करें अगले साल जल्द ही फर्स्ट हाफ में हम रिलीज़ करेंगे।